जी हाँ फ्रेंड्स, एक ही दिन के अंदर हमें सबसे बड़ी खुशखबरी मिल रही है कि 11 के 11 ETFs एकदम से अप्रूव हो चुके हैं। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ अप्रूवल तक नहीं पहुँची, बल्कि इसी के साथ साथ इनकी ट्रेडिंग भी चालू हो चुकी है। अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगातार इतनी ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है इन ETFs में, जिस कारण BTC का प्राइस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट $49,000 ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था। हालांकि यहाँ पे आपको कुछ करेक्शंस भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ की वेट कर रहे थे कि एक र्यूमर होगा, र्यूमर को वो बाय करने वाले एंड कैश करने वाले। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करोगे वो ये कि BTC इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, इसी के साथ साथ पूरा ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.8 trillion तक पहुँचा है, यानी कि ऑलमोस्ट $2 trillion को ये टेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है आने वाले दिनों के अंदर। और BTC भी यहाँ से $60,000 से $70,000 तक पहुंच सकता है बहुत ही जल्द, क्योंकि यहाँ पे US में क्या कि इन्वेस्टमेंट्स अभी चालू हो जाएंगी। हालांकि ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ऐसा नहीं कि एक ही दिन के अंदर आने वाली हैं, ये लगातार इन्वेस्टमेंट्स आती चली जाएंगी, जिससे क्रिप्टो मार्केट में हमें बहुत बड़ा एक प्रॉफिट मिलने वाला है, बहुत बड़ा बूम आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला ETFs को लेकर। और इसी के साथ साथ आपने एक नेगेटिव न्यूज़ भी देखी होगी कि इन्फ्लेशन का भी डेटा आ चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक रिएक्शन हमें गलत भी देखने को मिल सकता था और मिल सकता है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे सामने, एक तो ETF की अपडेट, दूसरा SEC के द्वारा इन्फ्लेशन को लेकर डेटा। तो ये दोनों चीज़ें लगातार इंपैक्ट करने वाली हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होने वाला है मार्केट में ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो Wolf Trade Official, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम बिटकॉइन के ETF की बात करें, वो भी मैंने ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी डाल दिया था। आई होप कि आपने शायद पहले ट्रेड्स भी लिए होंगे तो आपने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करी होगी, क्योंकि BTC ऑलमोस्ट $49,000 को टेस्ट करके अभी नीचे आ रहा है। लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऊपर नीचे तो चलते रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखें, यानी कि अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा जूम आउट करें, तो आप देखोगे कि यहाँ पे लगातार हमें बुलिश सिग्नल ही मिल रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है इस वक्त, वो यही है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर धीरे धीरे बैन लगाया जा रहा है, URLs को बंद किया जा रहा है, एक्सचेंजेस को एक्सेस करना इन्होंने बंद कर दिया है, एक्सचेंजेस को ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से धीरे धीरे रिमूव किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ट्रेडिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन भी बता देता हूँ कि अभी भी अगर आप डर रहे हो ट्रेड करने से, तो यहाँ पर सही ऑप्शन तो सिर्फ एक ही मैंने आपके साथ शेयर किया, जो है BitMart के नाम से, क्योंकि वहाँ पे मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे गिवअवेज दे चुका हूँ, एयरड्रॉप्स दे चुका हूँ। अभी हमारा नया एयरड्रॉप चल रहा है जो कि V2E NFT का चल रहा है, यानी कि Vote to Earn NFT का। ये NFT अगर आपको मिलता है तो इसी NFT से आप लगभग 4-5 तरह की और क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं। ये ऐसे NFTs होते हैं, अगर आपके पास ये NFT है तो आपको फ्री में अर्निंग्स मिलने वाली है आने वाले जो नए प्रोजेक्ट्स लिस्ट होते हैं BitMart के ऊपर। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साइनअप कीजिए। साइनअप करने के साथ साथ अपना UID जो है वो कमेंट्स में लिख दो या फिर हमारे टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दो, हमारा जो ग्रुप है वॉल्फ्रेड डिस्कस के नाम पे, वहाँ पे सेंड कर दीजिए। तो BitMart में आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर हम सही एक्सचेंज चूज़ करना चाहते हैं तो BitMart उनमें से एक है जो कि लिस्ट में नहीं आया, स्क्रूटनी में नहीं आया, तो इसको आप चूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी सारी ऑफर्स आती रहती हैं। और इसी के साथ साथ मैंने आपको BitUnix का भी बताया था कि अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए वो बिल्कुल सही चल रहा है इस वक्त, क्योंकि उसके ऊपर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा है, स्प्रेड बहुत कम है। तो BitUnix का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिंग तो आपने करनी करनी है, यहाँ पे प्रॉफिट्स ऑन करने करने हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि ऑल्टकॉइन्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्टकॉइन्स आप देखोगे ENS, इथेरियम नेव सर्विस, इथेरियम के साथ साथ मिलता जुलता इथेरियम क्लासिक ETC, ये दोनों कॉइन्स ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया। इथेरियम की खुद की बात करें $2600 से ऊपर चल रहा है, मैं तो $3,000-$4,000 की बड़ी से बड़ी एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठा हूँ यहाँ पे। तो पूरी उम्मीद है कि इथेरियम अभी फाइनली परफॉर्म करने वाला है। इसी के साथ साथ बॉन्ग कॉइन अभी फिर से परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि मीम कॉइन्स बिल्कुल डेड हो चुके हैं, मीम कॉइन्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एवलांच जैसे कॉइन, कार्डानो जैसे कॉइन्स, सारे ऑल्टकॉइन्स का बिल्कुल सही समय आ चुका है। अब चलते हैं मेन अपडेट के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करें कि ये तो आपने देखा ही होगा कि जो अभी डेटा है इन्फ्लेशन को लेकर वो थोड़ा सा गलत आ गया, यानी कि इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा कम आए। तो CPI आप यहाँ पे देखोगे 0.3% का आया मंथली, जो कि एक्सपेक्टेड था 0.2, तो ये 0.3 आया। एनुअल की बात करें तो ये 3.4% आया, जो कि एक्सपेक्टेड 3.2 था। लेकिन कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथली देखते हैं तो ये 0.3 आया और एक्सपेक्टेड भी 0.3 था। और ये अगर हम एनुअली देखते हैं कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये 3.9% आया इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेशन जो कि 3.8% था, जिसकी वजह से आपने एक क्विक रिएक्शन भी देखा होगा BTC का कि BTC एकदम से नीचे जाना भी शुरू हो चुका था, जो कि $47,000 से एक बार नीचे भी गया था।
लेकिन ये न्यूज आते आते क्या है कि हमें एक तो बड़ी न्यूज पहले भी मिल चुकी थी कि जो ETFs हैं अप्रूव हो चुके हैं, ETFs को लिस्ट किया जा रहा है, इनके ऊपर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा या आएगा। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यही देखी कि ETFs में बहुत बड़ा अमाउंट सडनली आ चुका था, यानी कि लगातार इनमें क्या है कि इनफ्लोज आते जा रहे हैं। तो 6 सबसे बड़े ETFs जिनकी हम बात करें पहले जो अप्रूव हुए हैं उनमें यहाँ पे आता है ARK21 शेयर्स का, इन्वेस्को गैलेक्सी का, वेनेक का, विजडम ट्री का, इसी के साथ फिडेलिटी का है, और यहाँ पे फ्रैंकलिन बिटकॉइन ETF भी है, और इन सभी को CBOE BZX एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे लिस्ट किया गया है। इनके ऊपर इनकी ट्रेडिंग शुरू होगी जो कि ऑलरेडी हो भी चुकी है। और सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन जो है वो ब्लैक रॉक से, ब्लैक रॉक iShares बिटकॉइन ट्रस्ट, और हमने इसमें देखा कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी आ रही है इसमें। तो ये जो IBT के नाम से, इनका IBIT के नाम से ब्लैक रॉक का ETF जो है वो 25% के प्राइस से पहले ही बहुत बड़ा जंप ले चुका था, यानी कि ETF में एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज्यादा हाई थी। तो टोटल 11 यहाँ पे ETFs अप्रूव हुए हैं जो कि पूरी मार्केट को बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे पंप भी देख पा रहे हैं हम सभी ऑर्डकॉइंस में। इसका बड़ा रीजन ये है कि बिटकॉइन के ETFs में अगर इन्फ्लोज आते हैं तो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो डायरेक्टली बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो ETFs में इन्वेस्ट करेंगे, और इससे क्या है कि बिटकॉइन की मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। हम एक्सपेक्ट इसीलिए कर रहे हैं BTC का प्राइस बहुत ही ईजिली $60,000 तक तो पहुंच ही जाएगा। इस वक्त आप शायद करेक्शन देख रहे होंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही नीचे जा रहा है BTC। BTC यहाँ पे रेगुलरली आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा जो कि आने वाले समय के 1-2 महीने के अंदर आप बहुत ही जल्द देख पाएंगे, लेकिन आप नहीं जानते कि ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे संघर्ष रहा है। तो हिस्ट्री में बहुत पहले से ही ETF के अप्रूवल्स की बात करी जा रही थी, इससे पहले जो SEC है इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बिटकॉइन के ETFs को डिसअप्रूव किया हुआ है। GBTC की बात करें जो कि ग्रे स्केल का है, 2015 में इनको फिंडा के द्वारा अप्रूवल मिला था। 2018 में भी एक ETF बिटकॉइन के ETF को यहाँ पे डिनाई किया गया था, यानी कि बहुत लंबा गेम चला है, बहुत लंबे समय के बाद ही सक्सेस मिली है। आज के दिन हम जो सडनली देख पा रहे हैं कि 11 के 11 ETFs को अप्रूव किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सडनली हो चुका है, बहुत लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा था जो कि फाइनली हमें रिजल्ट 10 जनवरी यानी कि कल के दिन मिला था, जिसमें SEC के फुल अप्रूवल अभी भी पेंडिंग थे। लेकिन यहाँ पे सडनली जैसे बिटकॉइन ETF की जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, हमने यहाँ पे देखा $2 मिलियन अमाउंट के जो शेयर से प्री मार्केट में ही बिक गए। हम देख पा रहे हैं बहुत बड़ी गेंस हमें इसमें दिख रहे हैं, एंड डेफिनेटली BTC भी आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे ऊपर नीचे तो जाएगा, फ्लक्चुएशंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बड़ा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो आप अभी इस वक्त ट्रेडिंग किस एक्सचेंज के ऊपर कर रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिटमार्ट या बिटयूनिक्स जो आपको मैं सजेस्ट कर चुका हूं, अगर उसमें आपने साइन अप किया है तो नीचे अपनी UID कमेंट कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर कैंपेन आता है, एयरड्रॉप आता है, गिववे आता है, तो मैं आपको हमेशा कंसिडर कर पाऊँ। किसी और कॉइन के बारे में, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। वरना हमारी जो अपडेट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगे, वॉल्फ्रेड ऑफिशियल के ऊपर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।